दोस्तों ये देखिए, ये जो है ये वृंदावन का क्या है, निधि वन है। और यहाँ पे जो होता है, एक एक पौधा जो एक एक प्लांट है ना, उसको गोपी के रूप में माना जाता है कि वो क्या है, वृंदावन की गोपी हैं। या कहते हैं कि जो निधि वन में ये जो गोपी, मतलब कि ये जो पौधा एक एक प्लांट है, वो गोपी को भी तो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो देवी देवता है ना, वो यहाँ पे पौधों के रूप में जन्म लिए थे भगवान की लीला देखने के लिए। तो ये देखिए कितने सुंदर हैं। हमेशा क्या नाम है, निधि वन हरा भरा रहता है। निधि वन क्या रहता है, हरा भरा रहता है। और ऐसी मान्यता है कि रात में यहाँ कभी कोई जाता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आते हैं यहाँ पे, अपनी रास लीला करते हैं, इसलिए यहाँ पे रात में कभी कोई नहीं जाता है निधि वन में। तो बहुत सुंदर व्यू है निधि वन का, आप देख सकते हैं निधि वन का प्लांट कितना हरा भरा है और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक लोग आते हैं, घूमते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कुंड है कितना सुंदर सा, और देखिए कितना प्यारा सा यहाँ का शाम है जो है, ये शाम ढल रही है यहाँ पे, या सूर्य का उदय हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि सूर्योदय है कि सूर्यास्त है जो है। ये देखिए यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए निधि वन में देखिए तोता, ठीक है, हमारे यहाँ गांव में देहात में इसको सुग्गा कहते हैं, तोता और कबूतर ये भी क्या हैं, अपना यहाँ पे घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ये वहाँ का मंदिर है, कितना सुंदर। निधि वन के हरे भरे पेड़ हैं बहुत, ये कृष्ण भगवान के समय से हैं, आज भी हैं, बहुत प्राचीन समय से ये निधि वन के पौधे हैं। ये देखिए यहाँ पे पर्यटक लोग आए हैं, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यमुना किनारे देख सकते हैं कितना खूबसूरत नीला नीला पूरा व्यू है, दृश्य है यहाँ का। श्री राधे कृष्ण का झांकी आप देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहक इनका दृश्य है, मन को एकदम हरने वाला। राधे कृष्ण का झांकी, श्री राधे रानी की, कृष्णा जी की कृपा हम सभी पे बनी रहे, इनकी बहुत ही सुंदर मनमोहक झांकी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हम लोगों पे बनी रहे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। राधे राधे।